हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट अगेन चलिए हम जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के एनालिसिस करेंगे समझते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के भाव में सो so, काफी लोग में भी इंटरेस्टेड होंगे गोल्ड सिल्वर की गिरावट को जानने के लिए कि कारण क्या है आ, सोने और चांदी के भाव के गिरने के पीछे तो सबसे पहले तो न्यूज़ समझ लेते हैं कि भाई सोना यानी गोल्ड जो है अस्सी हजार जाके वहां से गिर क्यों रहा है तो इसके देखो दो रीजन एक तो पहला कि यहां पे जो गोल्ड का प्राइस है इसने अपना जो टारगेट था अस्सी हजार का वो अचीव किया राइट तो गोल्ड अस्सी हजार अचीव किया और दूसरा चांदी की बात करें अगर सिल्वर की तो सिल्वर जो है एक लाख पूरा का पूरा अचीव किया राइट तो एक लाख तो जो इनका टच जो किसी भी चीज का क्या होता है प्राइस रहता है राइट तो वो वो, वो पॉइंट टच करना होता है अगर आप देखो सिल्वर को चांदी को तो एक लाख से एक लाख के एकदम कट टू कट वहीं से गिरना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं ये प्राइसेस अचीव करना होता है जिसकी वजह से वो वहां तक तो जाता है और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक रीजन ये है जिसकी वजह से जो है सोना और चांदी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है किसने इसने अपना जो है टारगेट यहाँ से इसने पूरा कर चुका है राइट दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक चीज का टेक्निकली टारगेट रहता है जैसे फिवोनाची के ऊपर यहां से मैंने ये एक ट्रेंड का ये टारगेट निकाला इसके अपने हाई ब्रेक करने के बाद तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा था वन वन का यदि आप देख सकते हो सेवेंटी नाइन थाउजेंड वन नाइनटी फाइव का टारगेट निकल के आ रहा था वो टारगेट यहां पे इसने अचीव किया तो वो टारगेट अचीव हो गया तो उसके बाद गिरावट आ रहा है तो यानी पहले से हर एक चीज कुछ चीज हर एक चीजें पता किया जा सकता है कि आगे क्या हो सकता है जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये दिखायाची के जरिए हम टारगेट निकाल सकते हैं जब कोई चीज अपना हाई ब्रेक करता है तो तो कितना जा सकता है तो सोने का टारगेट ही यही था सेवेंटी नाइन थाउजेंड वन नाइनटी फाइव अस्सी हजार के आसपास तो वो टारगेट उसने अचीव किया इसी तरह से चांदी का भी टारगेट आप निकाल सकते हो आप निकाल के खुद मुझे बताना राइट right, कमेंट करके सो so, अब इसके आगे देखो न्यूज क्या है तो पहला न्यूज इसके अंदर जो है वो है यूएस का इलेक्शन राइट ट्रंप जो ट्रंप की गवर्नमेंट सरकार बनी है वहां पे उसकी वजह से आप यहाँ इवन देख सकते हो उसकी गोल्ड का फ्यूचर गिरा हुआ है किसकी वजह से तो ट्रंप के जीतने की वजह से भाई देखो क्या होता है कि जैसे अभी सोने का भाव बढ़ क्यों रहा था क्योंकि इसको लोग खरीद रहे थे राइट एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसे लोग खरीद रहे थे कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे और इसमें इसका भाव बढ़ेगा हमें प्रॉफिट होगा तो एक इन्वेस्टमेंट परपज से खरीद रहे थे और ऊपर से एक सेफ इन्वेस्टमेंट है सो अब देखो किसी भी चीज का एक परफेक्ट भाव होता है कि अगर उसका भाव अपना जो उसका एक तरीके से जो उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है अचीव कर लिया तो वहां से फिर वो उसके ऊपर नहीं जाता है या फिर हर एक चीज का रिटर्न होता है कि अगले एक साल में कोई भी चीज दस परसेंट का रिटर्न देगा तो इसी तरह सोना जो है गोल्ड या चांदी जो है पिछले दो तीन सालों में लगभग चालीस से पचास परसेंट इवन साठ परसेंट तक का रिटर्न दिया है तो जो इसका टारगेट था वो अचीव हो गया राइट अब क्या होता है जैसे जब जब किसी भी चीज़ का जो प्राइस है आ, अपने एक्चुअल प्राइस से बढ़ जाता है तब उसमें फिर गिरावट ही आती है तो वही है कि सोने का जो भाव बढ़ना चाहिए था वो बढ़ चुका अचीव हो गया जो लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया खरीदा आ, उनको प्रॉफिट हो रहा है अब ट्रम्प की आने की वजह से क्या होगा कुछ पॉलिसीज चेंज होगी राइट जो पहली सरकार थी सरकार चेंज होती गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज चेंज होती है तो पहला पॉलिसी चेंज होने की वजह से अगर आप देखो यूएस डॉलर जो है इसका वैल्यू बढ़ा है डॉलर की वैल्यू पूरा ग्लोबल स्तर पर बढ़ा है ट्रंप के आने की वजह से क्या है कि ये लोगों का लोग मानना ये है कि जो आ, अमेरिका की कंडीशन है वो और सुधरेगी उससे क्या होगा डॉलर मजबूत होगा डॉलर मजबूत होगा तो फिर सोने का भाव गिरेगा तो पहला रीजन ये है ट्रंप आने की वजह से डॉलर का भाव बढ़ेगा उस ट्रम्प डॉलर मजबूत होता मोह होता होगा उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस गिर रहा है दूसरा है कि भाई ट्रंप आने की वजह से वहां का जो वो गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह है बॉन्डील्ड है वो जो है बढ़ेंगे राइट सो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे सोने से पैसा निकाल के यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से पैसा निकाल के वो बॉन्ड या फिर और भी जगहों इन्वेस्ट करेंगे जहां से ज्यादा रिटर्न रिटर्न मिल सके क्योंकि सोने चांदी का का दे चुका गोल्ड सिल्वर जो रिटर्न देना चाहिए था वो दे चुका इसी वजह से लोग यहां से पैसा निकाल के अब दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब सोने चांदी का भाव बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आगे के लिए क्योंकि सोना चांदी जो रिटर्न देना चाहिए था वो दे चुका अब यहां पर अगर हम बात करें कहां तक गिरेगा तो देखो पहला तो ये है कि आ, अभी यहां पे इसका भाव वापस से बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा राइट हालांकि बहुत गिरेगा नहीं रुकेगा कहीं कहीं लेकिन बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा तो ये इसका जो लेवल है ये इसका अभी नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा यानी कि बोलेंगे तो सेवेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड से लेके सेवेंटी फोर थाउजेंड सेवेंटी फोर थाउजेंड तक सोना आपको आता हुआ दिख सकता है अगर ये लेवल को ब्रीच करता है यहाँ से तोड़ता है नीचे की तरफ तब आपको सोना यहाँ से दिख सकता है सत्तर से सत्तर के आसपास सत्तर तक भी आ सकता है तो ये दो एरिया है अगर यहाँ पर रुका सेवेंटी फोर थाउजेंड तो ठीक है नहीं रुका अगर तो फिर ये सत्तर हजार आपको आता हुआ देखेगा हालांकि फिबोनाची के हिसाब से इसकी जो गिरावट आनी चाहिए वो फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी वन परसेंट का रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो भी लेवल एक बार निकाल लेते तो वो भी लेवल लगभग यहाँ तक आ रहा है सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी सेवेंटी फोर थाउजेंड के आसपास या फिर सेवेंटी टू थाउजेंड तो सेवेंटी टू थाउजेंड का भी लेवल एक निकल के आ रहा है सेवेंटी फोर थाउजेंड के बाद तो सेवेंटी फोर थाउजेंड पहला इंपॉर्टेंट लेवल है यहां पर रुका अगर तो ठीक है नहीं रुका तो फिर आपको सत्तर या बहत्तर आराम से देखने को गोल्ड मिल सकता है अभी इमीडिएट बेसिस पे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहां से लोग पैसा निकाल रहे हैं चांदी की बात कर लेते हैं एक बार हम चांदी देख लेते हैं सिल्वर सो so, सिल्वर सेम यहाँ पे इसने देखो पहले देख सकते हैं ये पहले इसने हाई बनाया नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से सीधा सेवेंटी एट थाउजेंड राइट अब उसने अपना टारगेट जो इसका एक लाख जाना था चला जा चुका है अब वहां से गिर रहा है इसका जो मेन अब नीचे की तरफ टारगेट हो सकता है ये एरिया हो सकता है एट्टी सेवन थाउजेंड एट्टी एट थाउजेंड के आसपास अगर इसको ब्रेक करता है तब ये आपको सेवनटी एट थाउजेंड वापस से आ सकता है यानी कि चांदी हो सकता है अगले अः कुछ साल तक इसी रेंज में चले नाइन थाउजेंड से लेके अस्सी हजार के बीच में इसी के आसपास ये चांदी का भाव चल सकता है या फिर आ, देखो ये जो ये जो एरिया है अस्सी हजार वाला सेवेंटी एट थाउजेंड ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है राइट और ये रिट्रेसमेंट पॉइंट भी यहीं तक आता है तो अगर आया तो फिर ये पहला तो रिकॉर्ड बनेगा एट्टी एट थाउजेंड एट थाउजेंड से लेके एट्टी सिक्सेंड फाइव हंड्रेड ये वाला लेवल सो so, अगर इसके नीचे अगर निकलता है तब तो आपको सीधा या अस्सी दिखेगा अस्सी हजार के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बस इसी एरिया में हो सकता है अगले कुछ महीने या कुछ साल भी खेल सकता है तो थोड़ा सा सावधानी से इसमें पैसा लगाए सोने चांदी में वापस हो सकता है एक लाख ना टच करे जल्दी से जल्दी में भी ऐसा हो सकता है राइट तो थोड़ा अभी मैं इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सही नहीं रहेगा गोल्ड और सिल्वर में जब ये बॉटम पे अपने आ जाएगा जैसे कि अस्सी हजार अगर मिल जाता है तो काफी अच्छा है फिर इस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये पूरा व्यू रहेगा सोने चांदी का आपको क्या लगता है आपका क्या व्यू है? है कमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए ओके थैंक यू सो मच बाय बाय